के देखते अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी बाहर, वहाँ रहे दोनों कबूतर के बच्चे। वो वाला तो बहुत बड़ा हो गया है, एक मिनट में दिखाता हूँ। यह गिरना नहीं, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज है 10 और आज से मेरा क्लास शुरू हो गया है, जो हमेशा क्लास होता है ऑनलाइन, तो वो शुरू हो गया। मेरा दो क्लासेस हो गया है, अभी बज रहे हैं 10:39 और मेरा एक और क्लास होने वाला है आधे घंटे में या 40 मिनट में, आधे घंटे 40 मिनट उतना ही में होने वाला है मेरा दूसरा क्लास। और तो अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो क्लास था वो कर लिया था। और उसके बाद मैंने शावर ले लिया और फिर मैं कोडिंग क्लास के लिए नहीं कर पाया, तो मैंने सर से पूछा कि कोई और क्लास है, तो सर ने बताया कि आज लास्ट सेशन था जो मैं नहीं कर पाया, तो मुझे उसका बहुत दुख हो रहा है। और यहाँ पर मैंने जुहर का नमाज पढ़ लिया है और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। बाहर की हालात, आज बहुत गर्मी हो रही है, कल की तरह आज भी बहुत गर्मी है, आप देख सकते हैं। और अब पता नहीं, ये जैसे बारिश आई थी आधी आई थी, अब ये मुझे नहीं लगता अब आएगी, होगा कभी कभी, देखते हैं कब मौसम अच्छा होगा, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। पर कबूतर अपने स्पैक्स वो जूते के डब्बे पर है और कबूतर अपने घर में है, निकालने की कोशिश की थी और निकला था पर फिर से अंदर चला गया। और यहाँ पर आम, इस तरफ थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा है, उतना ज़्यादा तो जैसे खाने में है शाही पनीर और चावल। और अब मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलता हूँ। तो अभी बज रहे हैं 4 और अभी मैं जा रहा हूँ कुरान पढ़ने, तो मैं आपसे कुरान पढ़ के बाद मिलता हूँ। और आज तो बहुत गर्मी है। यहाँ पर कबूतर के दोनों अब्बू और अम्मू हैं, वहाँ पर एक है और वहाँ पर एक है। अभी तो ये ऊपर वाला अंदर आना चाह रहा था, नहीं आ रहा अब, और वहाँ पर दरवाजे के ऊपर बैठी है। बाहर की हालात, होमवर्क कर रहा था तो इसलिए वीडियो नहीं आया था, तो मैंने उसमें ये एक बिल्ली बनाया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारा ये एरोप्लेन, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने बनाया है एक स्नेक, वो अंदर रखा है मैंने अभी। बाद में फिर से आपको एक कहानी सुना देता हूँ जो मैंने खुद से लिखा है, तो उसका नाम है विजिट टू तारामंडल। तो एक दिन मैं वो कोलकाता में था और बाहर बारिश हो रही थी और मैं उसी बारिश में तारामंडल गया था। मेरे समर वेकेशन थे और मैंने अपना समर वेकेशन पटना और कोलकाता में स्पेंड किया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, कमर नियाज और इमाद।
कमर नियाज ने सोचा कि अच्छा होगा कि हम तारामंडल जाएं। उसने कहा कि बहुत अच्छी जगह है, तो मैंने कहा ठीक है चलो। और इमाद ने भी कहा कि चलो चलते हैं। फिर कमर ने कहा कि उसने पहले से ही टैक्सी बुक कर लिया है। इमाद और मैंने कहा कि थैंक्स, मैं बस बुक करने ही वाला था, मैंने बोला। तो फिर इमाद ने कहा तारामंडल में होगा क्या? तो कमर ने कहा नाइस क्वेश्चन, वो एक सिनेमा हॉल है, पर वहाँ पर तुम प्लैनेट्स को देख सकते हो और उनके बारे में थोड़ा लर्न कर सकते हो। तो मैंने और इमाद ने कहा ओह वो तो दैट साउंड्स गुड। और मैंने कहा कि प्राइस क्या है? कमर ने कहा कि वो 400 रुपीज़ ही शायद से है, उसे ठीक से याद नहीं था, उसने पहले सुना था। तो इमाद ने कहा वहाँ जब जाएंगे तब प्राइस देख लेंगे। तो कमर ने कहा ओके। मैंने कहा कि क्या वो टैक्सी है वहाँ पर? तो कमर ने कहा वो देखने लगा और फिर उसे पता चला कि वही टैक्सी थी। ड्राइवर ने कहा आर यू कमर दैट बुक दैट टैक्सी है? कमर ने कहा यस। कमर ने गेट खोला और हम टैक्सी के अंदर गए और ऑन द वे कमर ने एक सवाल पूछा, डू यू वाना हियर अ जोक? तो इमाद ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं जोक सुनूंगा। तो कमर ने कहा ओके, क्या एलिफेंट क्यों नहीं यूज़ कर सकता कंप्यूटर? तो इमाद ने कहा एक एलिफेंट कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकता है भाई? कमर ने कहा मेरा मतलब वो तो जोक है, आंसर क्या होगा वैसे? तो इमाद ने कहा उसे पता नहीं। तो कमर ने बोला जो आंसर है वो था ओके, द एलिफेंट कांट यूज़ द कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ फियर ऑफ माउस। इमाद ने कहा देर इज़ नो माउस इन कंप्यूटर। तो फिर कमर ने कहा देर इज़ द माउस दैट इज़ यूज टू मूव योर कर्सर इन कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो इमाद ने कहा उसके बारे में तो वो भूल गया था। तो उसे बहुत अच्छा लगा वो जोक, और मैं और इमाद वहाँ पर जाते जाते बहुत हंस रहे थे नॉन स्टॉप। तो वहाँ पर जब पहुँचे तब कमर ने कहा वो टिकट को बुक कर देगा। तो मैंने कहा और इमाद ने कहा ओके थैंक्स। कमर ने कहा द प्राइस जो था वो 400 के अंदर ही था। तो हम 350 में पहुँचे थे, 3:50 PM। तो द शो जो था वो 4:00 में था, तो हम 10 मिनट पहले पहुँच गए। तो हम रूम के अंदर गए, लेकिन हम जब देख रहे थे तो हमें पता ही नहीं था स्क्रीन क्या है, कहाँ है। लेकिन 15 सेकंड के बाद मुझे पता चला कि स्क्रीन कहाँ है, और मैंने बताया कि स्क्रीन कहाँ है। क्या कमर और इमाद ने कहा ओह थैंक्स फॉर टेलिंग अस। हमने शो को एंजॉय किया, वो बहुत अच्छा था, लग रहा था कि रियल लाइफ में हो रहा है। और हमने बहुत सारे स्पेस के थिंग्स के बारे में देखा, वो बहुत अच्छा था, और मैं रियल में गया था इसलिए मैंने लिख दिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप adiburrahman.blogspot.com पर जाके देख सकते हैं जितना भी मैं कहानी लिखता हूँ। और अब यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ।